हेलो वीन, यस, ट्रिक और ट्रीट, ट्रीट, ओके, सो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं एमिरेट्स प्लेस और शाम के बज रहे 4, तो चलते हैं और उसके बाद कसर अल वतन भी जाना है, वो डिसाइड करते हैं वहाँ जाके कहाँ कहाँ हम जाएंगे। आर यू रेडी टू गो? यप। तो इसको हम छोड़ने जा रहे हैं टेनिस ग्राउंड, टेनिस प्लेयर को। आज खेल के क्या बनना है, सानिया नेहवाल या सानिया मिर्जा? अबे ओ, नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था। चले फिर भाभी। सो इधर हेलोवीन का बहुत ज्यादा वो है, तो दिख रहे आपको एक चुड़ैल जो कि हमारी रिश्तेदार है। इस गाड़ी तो हमारी हो गई पार, तो मैं यहाँ आया था, फिर क्या हुआ मेरे को ध्यान आया कि मैं अपना मास्क ही लाना भूल गया, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से एक ये सर्जिकल मास्क अरेंज करा, क्योंकि विदाउट मास्क यहाँ एंट्री नहीं है। कार के अंदर हम बिना मास्क के रह सकते हैं, बट विदाउट कार के बिना हम नहीं रह सकते। कार से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। सो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ पे। होटल का व्यू कुछ ऐसा है, चलते अंदर। तो कुछ इस तरह का व्यू है ऊपर का, जो कि है यहाँ के एमिरेट्स पैलेस के होटल के एंट्री। यहाँ पे आपको वैले पार्किंग मिलेगी और ये देखो यहाँ कुछ ब्यूटीज़ भी खड़ी है। इससे ज़्यादा ब्यूटीज़ तो पर नीचे पार्किंग में थी। बाकी जो 3 बिल्डिंग ये है, ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाली है, जो मुझे लगता है ना फास्ट एंड फ्यूरियस में 3 बिल्डिंगों में से गाड़ी कूदती है, तो ये वही लग रही है मुझे तो। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बताना भाई। बाकी अभी हम यहाँ थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचवाएंगे इस पॉइंट से। सो गाइस, देख सकते हो ये कलेक्शन आप, कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। सबसे बढ़िया बढ़िया गाड़ी खड़ी है यहाँ, देखो जैसे सकते ही हो, ये एक लगता है किसी मोटी फार्म की है। तो गाइस क्या लगता है, कभी ले पाएंगे ऐसी गाड़ी हम? इट्स मे बैक बाय द वे। इनकी नंबर प्लेट क्यों उतार रखी है बाकी? ये लगता है मेरे हिसाब से इनकी गाड़ी है। सो गाइस, मैंने अभी यहाँ घूम के देखा तो मुझे पता लगा ये सारी कार्स जो है, ये सारी रेंटेड कार्स। बाकी जो ये रोल्स रॉयस कलिनन है, ये हमारी मंसूरी एडिसन। जैसे ये 5 करोड़ की गाड़ी है, तो इसमें 4 करोड़ रुपए ऊपर से लगे होंगे मॉडिफाइड कराने में। सो ये आपको वीआईपी मोटर से
ले सकते हो अगर आप दुबई आ रहे हो तो। ये रेंटेड कार्स होती है, इनका आपको पर डे का कुछ रेंट होता है। लाइक जो ये रोल्स रॉयस थी इसका रेंट मैंने पता करा तो मुझे पता लगा कि है 65,000 INR में। और एक लैम्बर्गिनी जो यहाँ खड़ी है ये भी रेंटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी VIP मोटर से है। सो इसका रेंट भी मैंने पूछा तो इसका रेंट भी मेरे को पता लगा कि इसका रेंट आपको पड़ेगा कुछ अराउंड 55,000 से लेकर 60,000 तक इंडिया के हिसाब से। तो सही है, ये VIP मोटर्स वालों ने अपनी कार यहाँ खड़ी कर रखी है जिससे लोगों को पता लगे और थोड़ा आइडिया मिले कि इधर से रेंट भी ले सकते हैं कार। जो लोग जैसे हम जो लोग यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाने आते हैं तो उनको पता लगता है कि मतलब इनका एक एग्जीक्यूटिव है तो वो बताता है इनको कि लाइक यू कैन ऑल्सो टेक दिस कार, यू कैन ऑल्सो मूव, यू कैन ऑल्सो मतलब रेंट दिस कार, पूरा डिटेल वगैरह पूरा ब्रोशर वगैरह पकड़ाता है। सो अब चलते हैं हम आपको लेके एमिरेट्स पैलेस में। सो गाइस अंदर से कुछ ऐसा रहने वाला है ये, जो कि एक बहुत प्रीमियम तरीके का है। देखो जिससे एम्बियंस से आपको पता ही लग रहा होगा अंदर एक बहुत ही माइन्यूट म्यूजिक चल रहा है और बाकी सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स गो एंड सी इफ वी कैन सी मोर थिंग्स इन इट। This is a really good experience here. So, this is a cafe. स्माइल ले रही है, हंसी तो फंसी, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो हम जा रहे वापस बाहर क्योंकि तो मेरी भाभी है उनको उनकी एंट्री नहीं हुई है क्योंकि उनने PCR रिपोर्ट नहीं कराई है। इधर अबू धाबी में एवरी वीक PCR रिपोर्ट करानी पड़ती है चाहे उनके वो वैक्सीनेटेड हो या ना हो। तो वो हमारी वेट कर रही है बाहर तो इसलिए हमने अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो हम बाहर निकल रहे हैं, अब बाहर निकल के हम चलते हैं यहाँ से मरीन मॉल। वहाँ से मुझे 2-4 चीज़ ख़रीदनी है तो देखता हूँ वो मिलती है तो लेते हैं, नहीं तो और भी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने की। सो लेट्स गो देयर। सो ऋतिक भाई इज़ टेकिंग फोटोग्राफ्स, इज़ अ पेड फोटोग्राफर। सो गाइस मेरे को पार्किंग में देखो क्या मिलती है, दुबई से पंजाब की टैक्सी। किसी को जाना है भाई पंजाब तो यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो, पंजाब तक की टैक्सी मिलती है यहाँ पे। सो गाइस पहुँच गए हम अपने मरीन मॉल और यहाँ देखो कुछ इस तरह का व्यू है। सो मैंने जो देखा और सुना जो ये जगह है इसके ऊपर हम जा सकते हैं बाय लिफ्ट और इसके ऊपर एक कैफेटेरिया है। सोच रहा हूँ कि जाऊँ ऊपर, चलते हैं अगर अलाउड होगा जाना या जो भी होगा चलते हैं वहाँ। पहले मेरे को एक बार यह एक सेंटर पॉइंट है उसके अंदर जाना है, उधर से मेरे को एक दो अपने लोवर लेने हैं क्योंकि मेरे लोवर अब मेरे पे कम पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को लोवर लेने, मैं 2 लोवर लेके आया था तो अभी 2 लोवर और ले लेते हैं अगर बढ़िया से मिलते हैं तो कोई। तो चलते जब तक अंदर।
बहुत दिन हो गए, तो हम स्टारबक्स ट्राई करें आज या ना करें पता नहीं। ऋतिक स्टारबक्स पीना आज? नहीं, कल ही तो पी थी। स्टारबक्स थोड़ी पी थी, तिम हॉर्टन्स पी थी कल तो। सेम ही चीज है, घर पे पिलाऊं? हां घर पे पी गए थे, ना घर पे जाके पिला दूंगा बढ़िया। तो मेरे को तो इनने पिलाई नहीं, तो देखते हैं हम स्टारबक्स आज पी पाते या नहीं पी पाते। चलो गाइस, जो मैं आपको दिखा रहा था बाहर से जो ऊपर जाता है वो है ये, तो इसके अंदर अभी हम चढ़ेंगे और ऊपर जाते हैं, तो लेट्स सी कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। एंट्री कहाँ से इसकी? Excited? For what? ऊपर जाने के लिए। और ऊपर चलो। और ऊपर अभी? हाँ। और पे चलो। नहीं दबरा। हाँ। नहीं। तो हमारा हो गया एक्साइटमेंट पूरा खत्म। इसके ऊपर आई जाए नहीं थी। गए और हमें पता लगा कि ये बंद है इस टाइम और ये अलाउड नहीं है अभी जाना। पता नहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या हो रहा है। सो किसी दिन और आते हैं, उस दिन ट्राई करते हैं, अगर ये ओपन मिला हमें तो उस दिन आप कम ऊपर की विजिट करवाएंगे। गाइस चार बजे हम जाने रहे, बट हम जा रहे हैं पास्ता खाने वेपियानो में, इसका बहुत ज़्यादा नाम है। तो पास्ता हमने खा लिया है और हम अब जा रहे हैं मॉल से बाहर, और फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे या कहीं और। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं, आगे की जर्नी देखने के लिए फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस ब्लॉग।